para andar su mensaje. तारतम ज्ञान के अवतरित होने से पहले संसार में राजयोग का प्रचलन रहा है। राज का अर्थ क्या होता है? प्रकाशवान, जिससे हमारी चेतना में सत्य का प्रकाश हो जाए और आत्मा का संबंध, जीव का संबंध उस परमात्मा से जुड़े, उसको राजयोग कहते हैं। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसी को प्रतिपादित किया है, योग दर्शन में भी यही बात कही गई है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में जो निजानंद योग की प्रक्रिया है, या हमारी सुरता को परम धाम तक ले जाते हैं। राजयोग में सामर्थ्य नहीं है परम धाम तक ले जाने की। जो अक्षर की पंच वासनाएं हुई है, राजयोग से भी परे जो विहंगम योग होता है। देखिए विहंगम योग का अर्थ क्या होता है? विहंग कहते हैं पक्षी। राजयोग में आठ अंगों के द्वारा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा प्रकृति से परे जाने का प्रयास तो किया जाता है, लेकिन जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है केवल। इसे आगे बढ़ने का साक्षात्कार किसका करता है? आदि नारायण का। जो आदि नारायण का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो अव्याकृत है। चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, जो भी योगी यति जितने होते हैं, सब प्रणों का साक्षात्कार करते हैं। वास्तविक प्रणों का नहीं, जो चतुष्पाद विभूति के अंतर्गत आता है, जो मोह सागर में जो प्रणव प्रतिबिंबित हो रहा है, जो अक्षर कमन प्रतिबिंबित हो रहा है प्रणव के रूप में, उसी को देखकर ऋषि मुनि योगी यति शांत हो जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ क्या दिखता है? निराकार। इसलिए संसार का बड़ा से बड़ा योगी यही बात बताएगा, परमात्मा कैसा है? ज्योति स्वरूप है और निराकार है, उनका दोष नहीं है। अनुभूति ही वैसी हो रही है, अनंत ज्योति दिखेगी और चारों तरफ निराकार का अनुभव होगा। अपनी चेतना अपने रूप में स्थित होती है, निर्विज समाधि की प्राप्ति होती है। यहाँ तक जाकर हर योगी यदि, चाहे कितना भी बड़ा योगी हो, हिमालय की गुफा में रहने वाला योगी हो, इस जाकर के रूप से जो पंचवासना होती है, वह परम गुहा का रहस्य जानती है। चूंकि अभी तीन दिन का कार्यक्रम है, आज से लेकर 25 तक ध्यान के बारे में ही प्रवचन होगा, तो मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा एक एक चीज को, ताकि सारे देश विदेश में जो भी सुंदर साथ हैं YouTube के माध्यम से, सबको पता चले कि वास्तविकता क्या है योग की। जो पतंजलि का योग दर्शन है, वो कैवल्य की बात करता है। आपको जो भी चीज समझ में नहीं आती है तो कागज पर लिख लिया कीजिए, शंका समाधान का अलग समय रहेगा, हर प्रश्न का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन यह समझिए कि सारी दुनिया के सुंदर साथ या जिज्ञासुओं के लिए ये प्रवचन करना पड़ रहा है, भले ही यह संख्या कम दिख रही है, तो क्या YouTube के माध्यम से तो सभी सुनेंगे। जो योग है, योग का अर्थ ही क्या होता है? मिलन। हमारी चेतना जो परम तत्व से बिछुड़ कर माया में स्वयं को भूली हुई है, इसको यहां से हटाकर परम तत्व से जोड़ देना, ये योग कहलाता है। योग का अर्थ वो नहीं जो आमतौर से लोग केवल आसन करने लगते हैं। योग को आजकल क्या कर दिया गया? योगा। जो अच्छी भरी हिंदी बोलता है वो भी अंग्रेजी की नकल करता है। योग का अर्थ है मिलन। जैसे अंग्रेजी में राम को कहते हैं रामा, रामा का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी। आपने तो राम को लक्ष्मी बना दिया। कृष्ण को कहते हैं कृष्णा, कृष्णा का अर्थ क्या होता है? द्रौपदी। जिसको देखिए योग को योगा करके बोलता है, हर अच्छी चीज को बिगाड़ करके बोलने की परंपरा चल रही है। तो जिसको आप पतंजलि योग कहते हैं, उसके द्वारा
निर्वीज समाधि में स्थित हो जाते हैं। सबीज और निर्वीज दो समाधियां होती हैं। समाधि का अभी वर्णन नहीं करेंगे। मैंने निजानंद योग को तीन चरणों में बांटा है, मैं अभी संक्षेप में बता देता हूं। जो योग दर्शन की प्रक्रिया है कैवल्य पाद में ले जाएगी, समाधि का निर्वीज, उसकी जो निर्वीज समाधि होती है, एक होती है सबीज समाधि। सबीज समाधि का अर्थ क्या होता है? स्वयं के साथ प्रकृति का भी अनुभव करना। उस समय चेतना अपने स्वरूप को देखती है उस, लेकिन उसमें अस्मिता का भाव होता है, मैं हूं। और एक होता है और उसके साथ प्रकृति का अनुभव करती है और ब्रह्म के आनंद को कुछ अनुभव करती है। आनंद के बाद अस्मिता, वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात है। संप्रज्ञात समाधि के चार भेद होते हैं, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, इन चार चरणों से गुजरना होता है। जो सबीज समाधि होती है उसमें प्रकृति का अनुभव होता है। निर्वीज समाधि किसको कहते हैं? जिसमें प्रकृति का कुछ अनुभव ना हो, केवल स्वयं का अनुभव हो और परमात्मा का अनुभव। लेकिन जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, आपके सामने इतने थंबे दिख रहे हैं, मैं जिस थंबे पर निशाना लगाकर पत्थर मारूंगा उसी पर तो जाएगा। मारने का तरीका एक है, हाथ में उठाऊंगा पत्थर को लूंगा लेकिन मारूंगा। वैसे ही हमारा जो लक्ष्य है, जिसको हमने धारणा में लिया है, वही तो समाधि में दिखेगा। सामान्य सा सिद्धांत है, जैसे कोई शालिग्राम को परमात्मा मानता है, कोई शिवलिंग को परमात्मा मानता है, उसने समझा ही नहीं कि सत्य क्या है, आंखें बंद करके दिन रात शालिग्राम का ध्यान करेगा तो क्या अंतिम उपलब्धि क्या होगी? यही होगा कि शालिग्राम दिखता रहेगा दिखता रहेगा, बहुत होगा तो प्रकाश में ही शालिग्राम दिख जाएगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आपका ज्ञान आदि नारायण निराकार ज्योति स्वरूप आपने पढ़ रखा है, आप किसी भी विद्वान के पास जाएंगे तो क्या बताएगा? परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, इससे अधिक कुछ नहीं। सारे ग्रंथों की व्याख्या बस इसी स्वरूप से होगी। बड़े बड़े विद्वानों के पास जाएंगे तो यही कह देंगे निराकार ज्योति स्वरूप। जो साकारवादी भी ध्यान करते हैं ऐसा मत समझे, आजकल तो हर कोई ध्यान करता है। कोई हनुमान जी की भक्ति करेगा तो भी आंखें बंद करके बंदर के मुख वाले हनुमान जी का ध्यान करेगा, लेकिन हनुमान जी तो बंदर नहीं थे। जैसा उसने चित्रों में देखा है, जैसा समाज से सुना है, हनुमान जी को वैसे ही मान लेगा। वैसे ही जो शिव की भक्ति करता है, वो शंकर जी का जो चित्रों में बनाया गया होता है, शंकर जी का आंखें बंद करके उनकी मूर्ति का चित्र का ध्यान करता है। अंतिम उपलब्धि क्या होगी? जिसकी वो धारणा कर रहा है, जब आपका चित्त सात्विक हो जाएगा तो वो दिखेगा। ये ध्यान का सिद्धांत है। जैसे दर्पण है, दर्पण में आप अपने को देखना चाहें तो तीन कारण होंगे तो दर्पण में आपका चित्र नहीं दिखाई पड़ेगा। पहला, उस पर धूल जमी हो। दूसरा उस पर कागज कोई आवरण रख दीजिए और चेहरा देखिए तो चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। और तीसरा, हिलता डुलता रहे, दर्पण हिलता डुलता रहे तो आपका जो प्रतिबिंब दिखेगा वो स्पष्ट नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं? मल, विक्षेप और आवरण। मल का अर्थ क्या है? यदि आपके चित्त में जन्म जन्मांतरों की वासनाएं भरी पड़ी, काम क्रोध मद लोभ, तो आप में चेतन का स्वरूप नहीं झलकेगा। चित्त क्या है? चित्त में जन्म जन्मांतरों के संस्कार होते हैं। देखिए, चार अंतःकरण है हमारे, हमारी ये इंद्रियां हैं, ये शरीर है नश्वर, हड्डी मांस वगैरह का से बना हुआ है। इसमें हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय। तो ये कान जो है, कहने के लिए कान है, जो हमारी कर्ण इंद्रिय है वो बहुत सूक्ष्म है, वो अहंकार से उत्पन्न हुई, उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता। जैसे कान तो होता है, कोई व्यक्ति बहरा हो जाता है क्योंकि उसकी कर्ण इंद्रिय की शक्ति समाप्त हो गई होती है। आंखें खुली होती हैं, कह देते हैं ना कि इनकी रोशनी चली गई, आंख तो होती है लेकिन आंख की देखने की शक्ति नहीं। त्वचा सुन्न हो जाती है तो क्या कहते हैं? त्वचा में स्पर्श की शक्ति नहीं रह गई,
इंजेक्शन लगा दिया जाता है, त्वचा तो वही होती है लेकिन छूने पर कुछ पता नहीं चलता, काटिए पीटिए कुछ पता नहीं चलता। तो इसको नियंत्रित कौन करता है? अंतःकरण। इंद्रियों का राजा कौन है? मन। कहीं मन और चित्त को एक कर दिया जाता है, कहीं अलग अलग बताया जाता है। आप समझिए ये सारा संसार क्या है? आपकी चित्त की वृत्तियों का ही एक दूसरा रूप है। आपका चित्त किस में लगा है? संसार में। योग की परिभाषा क्या की जाती है कि चित्त वृत्ति निरोधा योगा। अब आपको मैं संक्षेप में बताता हूं चित्त की वृत्ति क्या है। आपके मन में आया कि ये सूरज है तो एक वृत्ति है। संसार है ही नहीं, कोई भी आपके मन में विचार ना आए संसार संबंधी, तो समझिए कि आपने वृत्तियों का निरोध किया। और ध्यान किसको कहते हैं? इन सारे द्वंद्वों से परे हो जाना ध्यान होता है। ये सारा प्रपंच है, शरीर का चिंतन, संसार का चिंतन, जन्म जन्मांतरों की जो वासनाएं होती हैं उनका चिंतन, ये एक संसार का रूप खड़ा कर देती है। ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थी में हैं, सादे सुदा हैं, हमारे परिवार हैं, गृहस्थ काम कर रहे हैं तो हम ही संसार में फंसे। जो हिमालय के गुफा में भी बैठा है, जिसके पास कोई भी नहीं, जिसके मन में पूर्व जन्मों की स्मृतियां हैं, संसार के सुख की कोई तृष्णा है, तो वो भी संसार में भ्रमण कर रहा है क्योंकि चित्त की वृत्ति उसका भी पीछा कर रही है। इन सबसे परे होकर परम तत्व को जानना होता है। देखिए क्रिश्चियन होगा क्या करेगा? बेचारा गिरजाघर में जाकर प्रार्थना कर लेगा। मुस्लिम होंगे नमाज रट रखी है, कलमा रट रखा है, उठेंगे बैठेंगे अपना नमाज पढ़ लिया, सोचते हैं कि अल्लाह की बंदगी हो गई। एक भारतीय संस्कृति में बताया जाता है कि शरीर से परे, ब्रह्मांड से परे होकर, अंतःकरण से परे होकर, जिसमें मन बुद्धि का कोई योग ना हो, उसके द्वारा अपने निज चैतन्य के द्वारा परम चैतन्य से जोड़ना। तो ये जो योग पद्धति है पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कोई कल्पना नहीं कि रटा दिया गया ऐसा ऐसा हो गया। संसार का कोई भी व्यक्ति यदि सत्य को जानना चाहता है तो भारत की योग पद्धति को माने। लेकिन जहां यह पद्धति भी असफल हो जाती है परमात्मा का साक्षात्कार करने में। क्यों? क्योंकि ये सारा संसार जो दिख रहा है ये स्वप्नवत है। स्वप्न में ही सब कुछ है। स्वप्न कहां से प्रारंभ होता है? अज्ञानता से। और अज्ञान कहां से पैदा होता है? मोह से। मोह क्या है? यही तो प्रकृति है। जब प्रकृति का ही संसार बनेगा तो स्वप्न अवश्य होगा, यहाँ की हर वस्तु नश्वर होगी और जो कुछ नाम रूप दिख रहा है, जैसे कोई हमारे में सुंदर साथ है उसका नाम मोहन है, तो मोहन का ये शरीर है, उसका नाम मोहन है और मोहन का जो शरीर दिख रहा है सब नश्वर है। जो अविनाशी तत्व क्या है? उसकी चेतना जो अनेक तनों में जा रही है और उसको इस संसार में भेजने वाला कौन है? परम तत्व जो परमात्मा। मोहन नाम का कोई व्यक्ति नहीं रह गया हो, मोहन नाम का शरीर नहीं रह गया हो, इसके परे जो नाम रूप जो दृश्यमान जगत है इससे परे अपने मूल स्वरूप में वो स्थित होकर सत्य का साक्षात्कार कर ले, यह योग की प्रक्रिया है। तो मैं आपको बता रहा था नौ द्वारा संसार का दसवां योगी तार, एकादश खिड़की खुली अग्रवान सुखसार। नौवे द्वार तक संसार भ्रमण करता है, संसार नौ द्वारों तक जाता है। अब नौ द्वार शरीर के जानते हैं, दो कान है, दो नासिका है, मुख है, ये सारे। दसवां योगिता जो पतंजलि के योग दर्शन का आधार लेकर चलते हैं, दसवें द्वार तक जाते हैं और जो आठवां चक्र है सहस्रार में समाधिस्थ हो जाते हैं, निर्विक समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा का अनुभव इस रूप में करते हैं, जिधर देखते हैं उनको ज्योति ही ज्योति दिखाई देती है और अनंत प्रकृति का दृश्य दिखाई देता है, यहाँ जाकर के वे शांत होकर के बैठ जाते हैं। लेकिन यह नहीं देख समझते कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक नहीं होता है। मैं अभी आपको बता रहा था कि मल विक्षेप और आवरण तीन के कारण दर्पण में आपको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। जैसे दृष्टांत दिया था कि धूल जमना,
आपके चित्त में जन्म जन्मांतरों की वासनाएं भरी रहेंगी तो आपका चित्त वासनाओं से गंदा बना रहेगा, उसमें आपको अपना स्वरूप नहीं दिखाई देगा। चित्त क्या है? एक दर्पण के समान है जिसमें स्वरूप की स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए मैं घूम फिर करके सुंदर साथ को कहता हूं कि सुंदर साथ जी, आहार का बहुत बड़ा महत्व है। आप रजोगुणी तमोगुणी आहार करके पूजा पाठ कर सकते हैं, पुजारी बन सकते हैं, यज्ञ में हवन कर सकते हैं, पुरोहित बन सकते हैं, विद्वान बन करके बोल सकते हैं, ना आप नौदा भक्ति में खूब नाच कूद करके गा सकते हैं, रिझा सकते हैं, लेकिन योगी नहीं बन सकते, परमहंस नहीं बन सकते। ध्यान किसका लगता है? उसका लगता है कि जो कहा जाए वो करे, कुतर्क न करे। अथ योग अनुशासन का तात्पर्य क्या है? एक प्रक्रिया चली आ रही है प्रारंभ से। योग के जो पहले आचार्य हैं उन्होंने जो निर्देश दे दिया उसका आंख मत करके पालन कीजिए। आप कहिए कि नहीं मैं भी शोध करूंगा, आपका कथन गलत भी हो सकता है, तो आप वहीं कभी रह जाए, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मर्यादा बना दी गई। आजकल तो नए नए रिसर्च चला करते हैं, किसी ने कहा कि 108 आसन, तो कहते कि नहीं मैं हम तो 1008 आसन करके दिखाएंगे। तो तरह तरह के थोड़ा सा आसनों में हेरा फेरी करके नए नए आसनों की खोज की जाती है। योग दर्शन का पहला सूत्र है अर्थ योग अनुशासन। योग के बारे में कोई कल्पना नहीं चलती। देखिए जो द्रव्य विज्ञान है जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, रासायनिक विज्ञान कहते हैं, उसमें तो कई सिद्धांत होते हैं, कई काम करते हैं। कभी कहा जाता है ना कि ब्लड प्रेशर इतना रहेगा तो ठीक रहेगा, कभी कहेंगे कि कम बढ़ाएंगे, कभी शुगर की मात्रा कहेंगे कि इतना इतनी रहेगी शुगर तो ठीक, कभी कह देंगे कि नहीं उससे भी ज़्यादा हो सकती। एक निश्चित सिद्धांत नहीं है। योग में सूरज पश्चिम में उग सकता है, लेकिन योग का जो शाश्वत सिद्धांत होता है कभी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा की बात होती है। इसको कोई भी बुद्धि से बदल नहीं सकता, ये बुद्धि का विषय नहीं है। परम गति किसको कहते हैं? यदा पंचोतिष्ठन्ते जानानि मनसा, बुद्धि न विचेष्टे आहूतं परमं गतिं। परम गति वह है जब मन अपने इंद्रियों सहित कारण में लय को प्राप्त हो जाए और बुद्धि भी कोई क्रिया न करे। बुद्धि में कोई भी कार्य, जैसे मान लीजिए कि अचानक तूफान आ जाए, मैं आंखें बंद किया हूं लेकिन मेरी बुद्धि तो क्रियाशील है, वो बाहर की आवाज को सुनकर, तूफान के झोंकों को सुनकर जान सकती है कि हाँ तूफान आ गया है। आंखें खुली नहीं है लेकिन बुद्धि ने कार्य किया। बुद्धि ने वह ज्ञान किसको दिया? मस्तिष्क को दिया। मन चित्त बुद्धि अहंकार ये कारण शरीर के अंग है, मस्तिष्क क्या है? स्थूल शरीर का अंग है। लेकिन मस्तिष्क में जब वो चीज ज्ञान की धारा आएगी तो वही हमें प्राप्त विदित होता है। मन सूक्ष्म है और मस्तिष्क स्थूल है। अंग्रेजी में क्या है, माइंड शब्द से ही मन का भी ग्रहण होता है, मस्तिष्क का भी ग्रहण होता है, जीव का भी ग्रहण होता है, आत्मा का भी ग्रहण होता है, क्योंकि अंग्रेजी तो है दरिद्री भाषा, उनके पास मन चित्त के लिए अलग शब्द कुछ नहीं होता। दूसरी चीज मैं बता रहा था, मन विक्षेप और आवरण। विक्षेप का अर्थ क्या होता है? चंचल। यदि आपका चित्त चंचल है तो आपका अपने स्वरूप की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। आवरण, आपका मन संसार के भोगों में इतना आसक्त हो चुका है कि आप परमात्मा को पहले स्थान पर रख नहीं पा रहे अपने हृदय मंदिर में, तो भी आपको अपने स्वरूप का दर्शन नहीं होगा, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। ये मल विक्षेप और आवरण तीन चीजें हैं जिसके कारण हमें साक्षात्कार नहीं हो पाता। ध्यान करने वाले लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में होते हैं लेकिन सबको साक्षात्कार क्यों नहीं हो पाता? कई कमियां होती हैं। देखिए पहले तो योग का निर्देशन होना जरूरी है, सही श्रोता और वक्ता, सत्य का श्रोता और वक्ता कोई कोई होता है। इसको तो पहले सुनने वाला कम होता है। जैसे देखिए हमारे समाज में जब
कोई भंडारा होता है, अभी करनाल का भंडारा होगा, देखिए कितने हजारों की संख्या इकट्ठी हो जाएगी। सभी भंडारों में यही होता है, कई कई तरह के व्यंजन बने होते हैं, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, इसके पीछे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन सबसे परे होकर अपने स्वरूप में स्थित होना, इसके लिए कोई कोई चाहेगा, तभी तो इतनी थोड़ी संख्या का है। बहिर्मुखी साधना बहुत सरल लगती है भी सरल, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, बहुत कम। अंतर्मुखी साधना, अंतर्मुखी साधना का तात्पर्य क्या है, शरीर का कोई प्रश्न नहीं है, आंखों से कुछ देखना नहीं है, हाथ पैरों से कुछ करना नहीं है, बहिर्मुखी सारी प्रवृत्तियों को छोड़कर अंतर्मुखी होना। कस्य धीरा पृथक आत्मानं अवृत चक्षु अमृतों की इच्छा, अमृत तत्व की इच्छा करता हुआ कोई धैर्यशाली पुरुष होता है जो अंतर्मुखी होता है, अन्यथा सारा संसार परांच खान व्यतीर्ण शंभु तस्मात परांग पश्यत न अंतरात्मा। पांचों इंद्रियां बनाई गई हैं कोई भी, और इसलिए हर प्राणी बाहर की तरफ देखता है। जितने मंदिर हैं उनमें सजावट में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अभी मैं नेपाल से होकर आया, कई जगह देखा, कहीं 5 करोड़ का मंदिर है, 5-5 करोड़ के कई मंदिर मैंने देखे, केवल मंदिर की सजावट में 5-5 करोड़ रुपए खर्च किए। सुनहरे रंग से बनाए गए, मैंने इटली का मंदिर देखा, और एक जगह रास्ते में देवघाट का मंदिर देखा, दोनों में 5 करोड़ 1 में 8 करोड़ का खर्च, क्योंकि देखने वाले को लगता है देखो मंदिर कितना सुंदर है। यदि जीव अपने स्वरूप में स्थित होकर के स्वयं को देखता है तो क्या दिखाई देगा कि 16 सूर्यों का जितना तेज है उसका उसके बराबर तो उसका स्वयं का तेज है, और नारायण का तेज क्या है, करोड़ों अरबों सूर्यों से भी ज्यादा तेज है। परम धाम का जो तेज है उसके सामने नारायण का तेज तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पहले तो कोई किसी को विश्वास नहीं होगा। योग के बारे में आप बताएं कि 8 चक्र हैं, तो आज का बुद्धिजीवी व्यक्ति जो साइंस पढ़ता है कहेगा कि हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, हमें तो 8 चक्र दिखाई नहीं देते, ये सब कल्पना है। लेकिन इसका अनुभव किसको होगा, जो समाधि में जाएगा केवल उसको अनुभव होता है। इसलिए पहला चरण क्या है, श्रद्धा। यदि आप में श्रद्धा है, आप अपने पथ प्रदर्शक की बात मानते हैं, तो उसका आचरण करेंगे, आपको प्रत्यक्ष अनुभव होगा। ये कोई कल्पना नहीं होती है, सृष्टि के प्रारंभ से 1,96,53,124 वर्षों से ये प्रक्रिया चली आ रही है। धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, साक्षात्कार क्या है, तो ये 3 प्रक्रियाएं मैंने आपको बताई। एक तो पहले आप संसार को देखिए, विशेषकर हिंदू समाज कितना भटक गया है। हमारा हिंदू समाज जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो भी शालिग्राम की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनको पता ही नहीं कि ऐसा वेद शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। और जो विद्वान होते हैं वे कुछ नवदा भक्ति का अस्त्र लेते हैं, उनसे भी जो ऊंचे स्तर के होते हैं वो ध्यान की प्रक्रिया में तो आते हैं, लेकिन 9वें द्वार तक जाकर वो भी रुक जाते हैं। जो परम गुहा का रहस्य है, जिसको एकादश द्वार कहते हैं, पूरा एकादश द्वारम अजस्य वक्र चेत सब अनुष्ठान सोचत विमुक्ता च विमुच्यते। पूरा एकादश द्वार, जो एकादश द्वार है, अब मंच पर ज्यादा उसके विशेषण करने पर थोड़ा कठिनता आपको लगेगी, सत्यांजलि में इसके बारे में विस्तार से दिया गया है, आप उसको पढ़िए। 9 द्वार क्या है, 10वां द्वार क्या है, 11वां द्वार क्या है। तो जब 11वां द्वार में जिसको संतवाणी में कहा गया है, मैं संक्षेप में बता देता हूँ, 9 द्वार संसार का, 10वां योगी तार, 11वां खिड़की खुली, अग्रवाल सुखता सुखसार। जिसको 11वां द्वार का बोध हो जाएगा उसको अखंड योग माया के ब्रह्मांड का दृश्य दिखने लगेगा, नहीं तो क्या दिखेगा। 10वें द्वार तक जाने वाला सर्वत्र अनंत प्रकृति को ही दिखेगा, इसके पार नहीं हो पाएगा, सारी दुनिया यहीं तक जाकर के रुक जाती है।
चमत्कार दिखा देगी। आगम बाको मन की परखो सूझे चौदह भवन, मृतक को जीवित करो पर घर की न होएगा। जिसे देखते हैं ना बागेश्वर बाबा को, उनके पीछे प्रधानमंत्री भी जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, चमत्कार बेचारे दिखा देते हैं। हनुमान जी की सिद्धि क्या है? ये सिद्धि की तुलना एक वेश्या से की जाती है। वेश्या जब तक धन आपके पास है आपको पूरा प्रेम दिखाएगी, उसके बाद धन का मात्र बाहर कर देते। तो ये जो सिद्धियां हैं, सिद्धि क्या है, मैं आपको एक सच्ची घटना से मैं बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि सिद्धि क्या है। और कभी भी चितवनी करने वाले को सिद्धियों के चमत्कार के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अपने सुंदर साथ के मन में भी तो जिज्ञासा होती है ना कि देखो बागेश्वर बाबा कितना चमत्कार दिखा देते हैं, सुंदर साथ में भी कोई चमत्कार दिखा दे तो जागनी बढ़ जाएगी। इससे जागनी नहीं बढ़ेगी, ये दुनिया को माया चाहिए। और माया जो भी आए, भीड़ इकट्ठी आएगी, संसारी कमराओं से सब आते हैं, हमारा ये होगा हमारा ये होगा, परमात्मा को पाने के लिए चाहत नहीं है दुनिया। अपने बचपन में संन्यास के प्रारंभिक दिनों में जिनसे मैंने योग साधना सीखी थी, अद्वैतानंद जी से मैंने दीक्षा ली थी, बचपन की नई नई अवस्था थी, तो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि उन्होंने किसी एक लड़के को दीक्षा दी और कहा कि नासिका के अग्रभाग पर मन को एकाग्र करो, यहाँ देखा करो खुली आंखों से, अधखुली आंखों से। वो नासिका के अग्रभाग पर देखने लगा, देखते देखते उसका मन एकाग्र होने लगा, उसको सिद्धियां मिलने लगी। सिद्धि में क्या होगा कि जब आपका मन एकाग्र होगा तो आपको अमूमन सिद्धियां मिलने लगेगी। योग दर्शन में जो विभूति पाद है वो क्या है, मन की एकाग्रता का ही परिणाम। कैसे, इसका सिद्धांत समझिए। सूरज उगा हुआ है, इसकी धूप से आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसकी धूप कुछ विशेष चमत्कार नहीं दिखाई पाते। इसकी धूप को एक जगह आप एकत्रित कर देंगे तो क्या होगा, आग से शीशे पर एकत्रित करेंगे तो आग की लपट निकल जाएगी। सोलर पैनल इसको इकट्ठा करके विद्युत के रूप में प्रवाहित कर देता है। बस ये कहानी है। आपका जीव क्या है, आदिनारायण की चेतना का प्रतिभासिक रूप ही तो है। आदिनारायण अक्षर के मन का स्वरूप है, आदिनारायण के संकल्प से सृष्टि बनी है। और मन चित बुद्धि अहंकार क्या है, जो आपका जीव है उसकी चेतना ये मन चित बुद्धि अहंकार में प्रविष्ट होकर उसको चेतन बना रही है। मन विषयों में फंसा हुआ है तो वो जीव को पापी बना दे रहा है। जब विषयों से अलग होकर एक लक्ष्य पर केंद्रित होगा तो उसमें शक्ति प्रकट हो जाएगी। बस ये कहानी है। कैसे, आपको मैं बताता हूं। जैसे कोई भाइयों में दिन रात कोई हिमालय की गुफा में बैठ जाए, जंगल में कुटिया बनाकर दिन रात ध्यान करे, तो जब वो आएगा कई वर्ष ध्यान करके तो सब लोग क्या करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, चरण छुएंगे कि ये बहुत बड़ा योगी तपस्वी। वही व्यक्ति यदि शराब पीने लगे, गलत दुष्चरित्र करने लगे तो लोग क्या करेंगे, पत्थर मारेंगे। बस ये काम ही है। ये मन यदि सच्चे सच्चे हृदय से, मेरे कहने का आशा, यही मन यदि अपनी पूर्ण शक्ति के साथ परमात्मा की तरफ चल जाता है तो इसमें शक्ति पैदा होती है, जो कहेगा वही हो जाएगा। और यही मन यदि विषयों में चला जाता है तो एक एक के आगे गिड़गिड़ाता है, एक एक के आगे आशीर्वाद मांगता फिरता है। देखिए वाल्मीकि ऋषि जब हत्या का काम करते हैं तो क्या है, डकैत है। जब वही समाधिस्थ हो जाते हैं तो भगवान राम भी उनके चरण छूते हैं। दुनिया जिस राम की पूजा करती है वह राम वाल्मीकि ऋषि के चरण छूते हैं कि नहीं, ये सबको मालूम है। सीता भी उनके चरण छूते हैं। व्यक्ति एक ही है, कभी वो डाकू था तो कभी वो योगी बन जाता है। चित्त की वृत्तियों को एकाग्र कीजिए। तो वह मैं किस्सा बता रहा था, मेरा समय पूरा होने वाला है, आपके ध्यान का भी समय है। उसके पास इतनी सिद्धियां आ गई कि पैसा गिनने वाला तो कोई था ही नहीं, नोटों के बंडल कट्टे में भर भर कर नोट आते थे
उसके नाम पर कितनी धर्मशालाएं बन गई। जैसे अभी बागेश्वर जी का जलवा चल रहा है, देखिए कितने उनके नाम से क्या क्या बन गया। ये क्या है? हनुमान जी की सिद्धि के हैं, भविष्य बता देते हैं। तो दुनिया क्या समझ रही है कि कितने महान योगी हैं। इसको योग साधना नहीं कहते, ये मन के द्वारा की जाने वाली क्षणिक सिद्धियां हैं, और इन सिद्धियों के पीछे चलने वाला आत्म कल्याण का मार्ग। आत्मबल अलग है और ये चमत्कार अलग है, विभूतियां अलग है। मनुष्य को कभी भी विभूतियों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ये विभूतियां आपको आत्म साक्षात्कार के मार्ग से वंचित कर देती है, क्योंकि आप चमत्कार दिखाओगे तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपकी जय जयकार होगी। जब आपके अंदर अहम आ जाएगा कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, तो परमात्मा के प्रेम से आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले को कभी भी स्वप्न में न तो चमत्कार दिखाना चाहिए, न कभी सिद्धि विभूति की आकांक्षा करना चाहिए, जो उसकी मैं कहानी बता रहा था। कुछ समय के पश्चात गुरु जी मिले, उससे पूछे कि तुम कौन हो। कहा कि गुरु जी आप पहचानते नहीं है, आपने मुझे दीक्षा दी थी लेकिन मैं गलत रास्ते में फंस गया, मैं चमत्कार दिखाने लगा, मेरे नाम पर कितनी धर्मशालाएं बन गई, मेरे पास नोट गिनने वालों की कमी पड़ गई, इतना पैसा बढ़ सके, लेकिन मुझे एक व्यसन आ गया, मैं गांजा पीने लगा, नशा करने लगा। नशा करने के कारण जो मेरे साधना थी जो मेरी, वो टूट गई। कुछ समय तक वो मेरी सिद्धि काम करती रही, आपने तो केवल नाशिका के आगे देखने को कहा था, मैं वही करता रहा, लेकिन बाद में वो सब भी छूट गया क्योंकि मैं नशेड़ी बन गया। और उसका परिणाम क्या हुआ, कुछ समय के पश्चात मेरी साधना बंद हो जाने से सिद्धि भी चली गई, और मुझे खाने के लिए भी पहले कहीं मांगना पड़ता है, मुझे कोई और कुछ नहीं देता। ये है संसार के काम। जब तक सिद्धि काम करती रही, दुनिया पीछे पड़ती रही, बाद में लोगों ने उसको भोजन देना भी बंद कर दिया। ये सिद्धि कैसे मिली, केवल मन को एकाग्र करने से। अपने लक्ष्य में आपका मन एकाग्र हो जाएगा। जैसे मेरे पास कुछ वर्षों पहले जब मैं रतनपुरी आश्रम में रहता था, भाले वाले महाराज जी ने एक संदेशवाहक को भेजा था, उनके साथ एक घटना नहीं हुई थी कि उन्होंने खुद अपनी आपबीती बताई, और आचार्य रजनीश यह किया करते थे, मैं भी आपको बता देता हूँ लेकिन आपको करना नहीं, क्योंकि ये सब काम करेंगे तो आप चितौनी में राज्य से दूर हो जाएंगे, आपको पढ़ी। जैसे दीवार पर एक बिंदु बना दिया जाए और उस बिंदु को पलक झपकाए, यदि आप 3 घंटे देख सकते हैं तो आपको सिद्धि मिल जाएगी कि किसी को जो कहो वही करेगा। आप कह दें खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाएगा, कहीं रो तो रोना लगेगा, कहो कि नाचो, नाचने लगेगा। इसको क्या कहते हैं, सम्मान सिद्धि। लेकिन ये क्या है, माया है। मन के एकाग्र करने से सब कुछ मिल जाता है। अध्यात्म क्या कहता है, आप अपना मन केवल परमात्मा में लगाइए, शरीर के संसार से परे हो जाइए। देखिए ब्रह्मांड में क्या है, चमत्कार ही तो है सारा संसार। आप पृथ्वी के एक छत्र चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं, मैंने अभी कहा ना, आगम भागो, भविष्य की सारी बातों को जान जाए, त्रिकालदर्शी बन जाइए। आप जिस स्टाइल पर देखिए नस्तुर धुमुस की भविष्यवाणी आती है, वो क्या है, थोड़े से मन की एकाग्रता के कारण होने वाली शक्ति है, जिसकी सुषुम्ना प्रवाहित हो जाती है। सुषुम्ना का प्रवाह किसे होता है, मेरुदंड के अंदर से 3 नाड़ियां गई हैं, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना के अंदर से जब प्राण प्रविष्ट करते हैं तो उसको सुषुम्ना का आंतरिक प्रवाह कहते हैं। बाह्य प्रवाह क्या है, ईड़ा इष्टतो वामा ततो व्यक्ता च पिंगला। जब एक हमारा दाहिना स्वर है, एक बायां स्वर है, जब आप दाहिनी करवट लेटते हैं तो बायां स्वर चलता है, तो इससे क्या होगा, ये सूर्य स्वर कहलाएगा। और जब आप बाएं करवट सोएंगे तो दाहिना स्वर चलेगा, तो उससे गर्मी बढ़ेगी, और दाहिनी करवट लेटेंगे बायां स्वर चलता है तो उसको चंद्र स्वर कहते हैं, उससे शरीर में शीतलता होती है। जब निद्रा आने लगे तो दाहिने करवट हो जाना चाहिए,
और जो भोजन के बाद बाएं करवट सोते हैं तो दाहिना सो चलेगा तो उसमें जठरांगनी प्रतीत होती है, शरीर में गर्मी पड़ती है। जब दोनों नथुनों से एक समान श्वास आए तो वो ध्यान के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन ये बाह्य सुषुम्ना है, आंतरिक सुषुम्ना नहीं। आंतरिक सुषुम्ना जिसकी प्रवाहित हो जाएगी वो त्रिकालदर्शी हो जाएगा। ये आगे की योग की प्रक्रिया है, मैं सारी बातों को आपसे नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे आपको परम धाम तक ले चलना है। मैंने तो छोटी छोटी बातें इसलिए बता दे रहा हूँ कि सुंदर साहब जब संसार के चमत्कार में देखते हैं तो सोचते हैं कि हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हम तो तारतम लेकर फंस गए, हम भी बागेश्वर बाबा की तरह कुछ कर लेते तो दुनिया हमारे वाह करती। वो कुछ नहीं है, आगम भागो मन की फलखो सूझे चौदह भवन। आप यहीं से बैठे बैठे सारे ब्रह्मांड को देख लीजिए। मृतक को जीवित करो पर घर की न होगा, मरे हुए को जिंदा करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं लेकिन ये पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, शरीर और संसार को छोड़ने के पीछे जाने का। आप जगह जगह बुक स्टॉल पर एक पुस्तक देखा करते हैं योगी की आत्मकथा, वो महावतार बाबा से जुड़ी हुई है, योगानंद जी की लिखी हुई किताब है, उसका दुनिया के कितनी भाषाओं में अनुवाद हुआ है और पढ़े लिखे लोग उनके अनुयायी हैं। महावतार बाबा की कहानी है कि उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, भाई वो थे, उनकी बहन थी, उनकी उम्र लगभग 1400 वर्षों से ज्यादा है लेकिन उनका शरीर आज भी 25 वर्ष के युवक जैसा है। उनके पास इतना योग बल है कि जहाँ चाहे जिसको दर्शन दे देते हैं, योग का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बनारस के प्रसिद्ध लाड़ी महाशय उन्हीं के शिष्य थे। मैं आपको जल्दी जल्दी संक्षेप में बता रहा हूँ। एक बार उनसे एक जिज्ञासु आया कि गुरुदेव मुझे नासी से बना लीजिए। कहा कि नहीं मैं तुझे नहीं बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि तुम मैं मर जाऊंगा। कहा कि जा तुम मर जा, हिमालय की घटना है। वो छलांग लगा गया। उन्होंने महावतार बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि इसकी सारी हड्डियाँ इकट्ठी कर लाओ। हड्डियाँ को इकट्ठी कर दिया, उनके मुख से निकला कि उठ जा और वो सचमुच में जीवित होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई जादूगर की बात बता रहा हूँ, ये सब आम बातें हैं योग के लिए, योगी के लिए सब आम बातें हैं। लेकिन कोई भी जो सच्चा योगी होगा प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन करने का तात्पर्य क्या होता है, परमात्मा को चुनौती देना कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है और ये अहंकार का द्योतक बन जाता है। यदि आप में किसी भी तरह का अहंकार है तो आप समाधि से वंचित हो जाएंगे। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना, पहली बातें परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण से ही समाधि की प्राप्ति होगी, इसके पहले नहीं होगी। चाहे आप 1000 साल ध्यान में बैठे रहिए कुछ नहीं मिलेगा। इस कारण यदि आपके पास कितना भी ज्ञान हो जाए, कितनी भी भक्ति हो जाए, कितना भी वैराग्य हो जाए, किसी की हंसी न उड़ाइए और अपना अहंकार न दर्शाइए कि मैं इतना बड़ा योगी हूँ, मैं इतना योग करता हूँ। जिस दिन आप सारे द्वंद्वों से, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, द्वंद्व है, अहंकार है, और ये अहंकार पतन का कारण हो जाता है। ध्यान करने वाले को अहंकार से कोसों दूर रखना पड़ेगा, सिद्धि विभूति के प्रदर्शन से बहुत दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि जहां प्रतिष्ठा हुई वहां दुनिया आपसे माया की चाहनाएं लेकर के आएगी, और यदि आप उसकी इच्छा पूरी करेंगे तो वो आपका भक्त बन जाएगा, नहीं पूरी करेंगे तो आपका विरोधी बन जाएगा। इसलिए इस संसार से कभी किसी की कोई तृष्णा इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि लोग मेरे भक्त बने, इसलिए अपनी वाहवाही करने लगते हैं कि देखो मेरे पास ये सिद्धि है, मेरे पास ये सिद्धि है। इसको क्या कहते हैं, जादूगर। योग करने वाले को कभी भी जादूगर का काम नहीं करना चाहिए। आगम बाखो मन की पलखो सूझे चौदह भवन। मेरा समय समाप्त होता है, अब अगले सत्र में जब होगा अब इसका समय बढ़ाया जाएगा, आपको इसके बारे में आचार्य चंद्र जी निर्देश देंगे, एक एक चीज को विस्तार से बताया जाएगा। और हमारा लक्ष्य होना चाहिए किस तरह से हमें परम धाम तक पहुंचना है, अपनी आत्मा के धाम हृदय में संपूर्ण परम धाम को देखना है। आपके मन में जो भी शंकाएं होती रही हैं कागज पर लिखा कीजिए और उसका विधिवत उत्तर राज्य की कृपा से देने का प्रयास कीजिए। जो भी शंका हो संकोच मत कीजिए, क्योंकि यहाँ आप संकोच करेंगे तो क्या होगा,
आप उस सत्य से वंचित रह जाएंगे। आने वाले समय में सबको ध्यान में डूबना है और लक्ष्य रखिए कि सारे संसार को उस सत्य के मार्ग पर चलिए जिसके लिए संसार को डरना।